नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की यह कहानी बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षसों की जीत होती। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए ये बड़ी समस्या बन गई। देवताओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे, अर्थात वे भी इस विद्या को नहीं जानते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया और उसे कहा कि वह जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करें। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। बृहस्पति जानते थे कि ये कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वह किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो हो सकता है कि ये काम आसान हो जाए। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनके पास जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ देखने से ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक प्रतीत होता था। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देखकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी मन ही मन उन पर मोहित हो गई। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से कही नहीं। इसी बीच राक्षसों को ये बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। दैत्यों को कच्छ के आने पर यह आभास हो गया था कि कच्छ वहां मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच्छ ने संजीवनी विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, इसलिए वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वो सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पिता से कच्छ को फिर से जीवित करने को कहा। देवयानी ने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। गुरु शुक्राचार्य पुत्री देवयानी की कच्छ के प्रति प्रेम भावनाओं को समझ गए और हार कर उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्यों को पता लगा तो राक्षस इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद कच्छ को फिर से मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। ये देख अब तो राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, चाहे जो भी हो जाए हमें कच्छ को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने एक चालाकी की। इस बार राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा, चलो अब तो कच्छ की छुट्टी हो गई। लेकिन देवयानी वो कहां मानने वाली थी।
देवयानी ने जब कच्छ को कहीं न पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने फिर से अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके अपने पेट में है। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। वे समझ गए कि यदि वह कच्छ को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मर जाएंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। तब कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके अपने शिष्य के धर्म को निभाया। इसलिए शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया। उसने कहा कि उसके यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसके देवलोक वापस जाने का समय आ गया है और अब वह वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने ये भी कहा कि चूंकि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, इसलिए शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। वह शुक्राचार्य के पुत्र समान है और इस प्रकार से मैं तुम्हारे भाई समान हूँ। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। कच्छ के विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंची। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक बार की बात है कि दैत्यराज वृषपवा की पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने बाग में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राज्य पुत्री थी तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों सुंदरता के मामले में एक दूसरे से कम नहीं थी। वे सब की सब उस बाग के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने लगी। राजा वृषपवा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थी तो उस समय तेज हवा चलने के कारण जलाशय के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देखक रवे सभी कन्याएं लज्जावश जलाशय से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, इसलिए देवयानी से ये भूल हो गई। जब शर्मिष्ठा ने ये देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं तो उसने चिढ़कर कहा कि राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं, तो तुम भी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से
स्त्री स्वभाववश जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, इसलिए देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। कुएं में गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उस समय उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने कुएं से आ रही देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसकी प्राण रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवयानी प्रेम पूर्वक राजा ययाति से बोली, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं। मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ, आप भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु गुरु बृहस्पति के पुत्र कच के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपनी तकदीर का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप और यौवन पर मुगध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो दुविधा में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को ये संबंध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। ये कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान दुख शोक के सागर में डूबी देवयानी वही कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को उसकी चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में कुएं के पास जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे थे, कुएं में गिरने के कारण शरीर पर चोट लगी हुई थी और सुंदर मुख आंसुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की ये दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहकर मेरा अपमान किया है। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। राजकुमारी शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के अपमान के बारे में जानकर गुरु शुक्राचार्य भी क्रोधित हो गए। ये जानते हुए भी कि उनकी पुत्री देवयानी की राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाने की इच्छा अनुचित है, गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को न नहीं कह पाए। शुक्राचार्य ने राजा वृषपवा को संदेश भेजा कि अब वह उनके राज्य में वापस नहीं लौटेंगे। राजा वृषपवा ये बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। ये बात राजकुमारी शर्मिष्ठा भी अच्छे से जानती थी। शुक्राचार्य का संदेश पाकर दैत्यराज वृषपवा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोवल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अपने हुए अपमान के कारण अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं फिर से तुम्हारा साथ देने लगूंगा। दैत्यराज वृषपवा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री,
तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासी के रूप में चाहिए। दैत्यराज वृषपवा के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा कि इसके लिए मुझे अपनी पुत्री से बात करनी होगी, क्योंकि उसे मजबूर करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद अपने वंश और राक्षस जाति पर आए संकट को टालने के लिए आखिरकार शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई और इसी तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि उसकी मुलाकात फिर से राजा ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उसने राजा ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी के आंख से एक भी अश्रु बहना नहीं चाहिए। ययाति ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को इस बात का वचन दिया। इस प्रकार देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर आधुनिक इलाहाबाद शहर वापस लौट गए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, इसलिए उसे भी रहने के लिए एक अच्छा स्थान दे दिया गया था। विवाह के कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई। जब ये बात राजकुमारी शर्मिष्ठा को मालूम हुई तो वो देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजकुमारी शर्मिष्ठा राजा ययाति के महल के पीछे कुटिया में रहती थी। उसने सोचा कि वो राजा ययाति को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके खुद भी जीवन के सभी सुख प्राप्त करेगी। अपनी योजना के अनुसार एक दिन राजकुमारी शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि तभी उसका सामना उधर से गुजरते हुए राजा ययाति से हो गया। अब इसे कच्छ के श्राप का असर कहें या राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। राजकुमारी शर्मिष्ठा तो पहले ही राजा ययाति की ओर आकर्षित थी और यही चाहती थी। इसलिए शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। इच्छा तो राजा ययाति की भी थी, लेकिन वह ये जानते थे कि इस बारे में देवयानी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का क्रोध ययाति पर टूटेगा। राजकुमारी शर्मिष्ठा राजा ययाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार ये बात जरा भी अनुचित नहीं कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो यह अनुचित नहीं है। हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार राजा ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद गर्भवती देवयानी को दो पुत्र हुए, जिनका नाम यदु और तुर्वसु रखा गया। उधर शर्मिष्ठा ने भी तीन पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे पुरु, अनु और द्रोहियों। जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता राजा ययाति हैं, तो उसने यह बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। इस बात से क्रोधित होकर
गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वह तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। जब देवयानी ने देखा कि उसका युवा और सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। गुरु शुक्राचार्य बोले, बेटी मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर राजा ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन राजा ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे राजा ययाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने राजा ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वसु, अनु, द्रोहियों ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन राजा ययाति को दे दिया। उसी पल ययाति फिर से युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। राजा ययाति ने आनंदपुर 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वो सोच में पड़ गया। तब उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ये सब सोचकर उन्हें अचानक वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि हर सुख भोगने से भी कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर बाल व दांत कमजोर होने पर भी कामना कमजोर नहीं होती। इसलिए अब मैं कामना छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसे कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। इसके बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता राजा ययाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। राजा ययाति ने अपने पुत्र के मुख से जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। राजा ययाति ने पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेक र उसकी युवा अवस्था लौटा दी। राजा ययाति अपने पुत्र पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर से वृद्ध रूप में आकर राजा ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वन में तप करने चले गए और उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंशों का निर्माण किया। राजा यदु ने यदु यानी यादव वंश, राजा तुर्वसु ने यवन वंश, राजा अनु ने लेज वंश, राजा द्रोहियों ने भोज वंश और राजा पुरु ने पौरव वंश या कुरु वंश का निर्माण किया। कहानियों के और तमाम शास्त्रों के जरिए ये बताया जाता है कि गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य काफी तेजस्वी और ज्ञानी होने के बावजूद दैत्यों के गुरु कैसे बने, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। एक पौराणिक कथा के जरिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। महर्षि भृगु को ख्याति से 2 पुत्र और 1 बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। उन्होंने लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। एक कथा के अनुसार गुरु शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था।
इसलिए महर्षि भृगु ने इनका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्मा ऋषि अंगिरा के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंगिरा ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति थे जो बाद में देवों के गुरु बने। अंगिरा के पास उनके पुत्र बृहस्पति के साथ ही शुक्राचार्य भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी अंगिरा ऋषि के पुत्र होने की वजह बृहस्पति को ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़कर सनत ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि देवों ने बृहस्पति को अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश मन में दैत्यों के गुरु बनने की ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों को देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराज थी। इस बाधा को दूर करने के लिए शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर वे भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वो दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जानकर दैत्य उनकी माता की शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने आता वे उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बल शादी हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माँ और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सिर सुदर्शन चक्र से काटकर दैत्यों के सहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और कई सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी माँ की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं होती। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस श्राप से पहले भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे, लेकिन श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के पेट में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या सीखकर उन्हीं का पतन किया। शुक्राचार्य के बारे में कुछ बातें इस प्रकार भी कही जाती हैं कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से तीन पग धरती दान में मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोंटी में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझकर उसे सींग से निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एक अक्षता का द्योतक हो गया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपनी माता ख्याति से सीखी थी।
इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी ये संभव होता है। ये भी कहा जाता है कि शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधवश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जा सती से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उससे उनको 4 पुत्र हुए। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।